नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा में बच्चों को स्कूल ड्रेस दिलाने निकले पिता ने मासूम बेटा बेटी सहित पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में निकलकर सामने आया है कि युवक ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली है। गुरुवार को मृतक सुनील और बेटे पुष्पराज का शव बरामद कर लिया गया, जबकि 5 साल की बेटी पुष्पा की सर्चिंग देर रात तक की जारी रही। शनिवार को भी सर्च अभियान चलाया जाएगा। घटना के बाद विंध्या सुनील की मां कलावती मांझी ने कहा कि मैंने बेटे से कहा था कि बरसात की वजह से नदी में पानी बढ़ रहा है, बच्चों को लेकर रात में कहीं मत जाना, काश वो मेरी बात सुन लेता, ये दिन देखने से पहले मेरी मौत हो जाती तो ठीक रहता, भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। एक साथ घर में 3 से 3 मौतें हो गई। मैं अगर जानती कि इस तरह की घटना हो जाएगी तो कभी अपने बच्चों को ना जाने देती। हमारा तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमसे सुनील ने कभी नहीं बताया कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। इतना जल्दी ये सब कुछ हो गया कि समझने का मौका भी नहीं मिला। अभी तक हमारा हाल जानने ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी। रीवा 85 किलोमीटर दूर ग्राम पैरा टोला छिवलहिया मौके पर पहुंचा, जिसमें सामने आया कि युवक की आजीविका का साधन एकमात्र किराने की दुकान थी। इसी की कमाई से हर महीने 20 से 22 हजार रुपए किस्त भर रहा था। उसने एक मालवाहक ऑटो बैंक से किस्त पर लिया था। यही नहीं, उसने एक समिति से भी कर्ज लिया था। मृतक सुनील के रिश्तेदार और प्रत्यक्षदर्शी कामता प्रसाद मांझी ने बताया कि वह शंकरगढ़ थाना अंतर्गत झरखोरी के रहने वाले हैं। शुक्रवार सुबह दैनिक क्रियाकलाप के लिए नदी किनारे गया था। नदी किनारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। मैं भी मौके पर देखने पहुंच गया। गुरुवार रात मुझे जानकारी मिली थी कि सुनील ने बच्चों सहित नदी में छलांग लगा दी है। मैंने नदी में मिले शव को ध्यान से देखा तो पहचान गया कि ये तो सुनील का बेटा भोले है। मैं सुनील का रिश्तेदार हूँ, अक्सर घर में मेरा आना जाना लगा रहा है, इसलिए झट से पहचान गया। तत्काल मैंने इसकी सूचना सुनील के पापा को दी, जिसके बाद शव की पहचान हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर लिया। सुनील की पत्नी पूजा मांझी ने रोते हुए कहा, दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बाइक में बैठकर घर से निकल गए। मुझे लगा कि मार्केट से खरीदी कर घर वापस लौट आएंगे। काफी देर तक घर लौट कर नहीं आए तो हमें चिंता होने लगी, क्योंकि वो बच्चों को भी साथ लेकर गए थे। बाद में खबर मिली कि बाइक पुल पर खड़ी है, लेकिन पति और बच्चे लापता हैं। वीरेंद्र मांझी ने बताया, मेरे चाचा सुनील घर में ही किराने की दुकान चलाते थे। चाचा ने अप्रैल महीने में पिकअप गाड़ी ली थी, जिसकी हर महीने मासिक किश्त 20 हजार रुपए जाती थी। पिकअप निकालते समय उन्होंने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी जमा किया था। चाचा ने समूह से भी लोन लिया था, जिसकी किश्त भी समय समय पर जाती थी। मेरे पापा मुंबई में रहते थे, वो वहाँ प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। दादा दादी और हम सब का खर्चा और पूरे घर की जिम्मेदारी बड़े पिताजी संभाल रहे थे।